खरगोन जिले में मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। बार बार शिकायत करने के बावजूद लोगों को निराशा ही हाथ लग पाई है। आपको बता दें कि इसका पता तब चला जब ग्रामीणों ने मीडिया में इसकी जानकारी दी। मामला कसरावत जनपद की ग्राम पंचायत सायतागा है, जहां सरपंच सचिव की मनमानी ने खुलकर बंदरबांट की है। इस दौरान पूर्व सरपंच बसंत केवट ने बताया कि मनरेगा सहित सभी कामों में मनमानी चरम पर है। जब इसकी शिकायत आला अधिकारी को करने के बावजूद प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा, जो चिंता का विषय है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मनरेगा में कार्य में जैसा कि तलाइयों के और ये जो पुलिया सालीवान पुलिया बन रही, इसमें क्या भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार है कि पुलिया का तो ठेका दिया हुआ है, कोई गांव के मजदूरों ने काम थोड़ी करा। गांव के लोगों को अनाप शनाप पैसे डाल रहे, जिन्होंने नहीं काम करा जो सरकारी नौकरी में उनके पैसे डाल रहे। मेरी बीवी और मैंने काम धूप में करा 25 दिन तक, वो 12 दिन के पैसे भी नहीं डाले अभी तक। मुख्यमंत्री जी से भी हमने शिकायत की, हमारे पूछा भी था क्या हुआ, ये कहते हैं कि जो बैंक का मिलाओ खाता चेक करो, जिस खाते में चेक करो उसमें पैसे ही नहीं है तो क्या चेक करो, लाइन में लोगों ने बाहर और मुंह लटका है। मनरेगा में अब तक का काम का पैसा नहीं मिला है? हाँ, अभी तक नहीं मिला। और पुलिया निर्माण में क्या हुआ है? पुलिया निर्माण में एक सरिया नहीं डला हुआ, उसमें उसको खोद के दिखा दे जीसीपी से। मटेरियल किस हिसाब से डाला? मिलावटी मटेरियल है, हाँ मटेरियल ही चोरी हो रहा है। सरिया दिखाने के लिए रखे वहाँ थोड़े बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश केवट है, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सहायता। आपने ये जो शिकायतें की है किस संबंध में की है और कहाँ कहाँ पर की थी? मैंने जो शिकायतें करी है जो ग्राम पंचायत सहायता में जो मनरेगा के तहत जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी शिकायतें करी है। जो वाटर पम्प तले और जो भवन है, जो मांगलिक भवन जो केवर समाज का और हरिजन समाज का, जो केवर समाज का भवन है उनमें जो है भ्रष्टाचार हुआ है उसकी मैंने शिकायत करी है SDM कलेक्टर और जनपद पंचायत CEO, उनको शिकायत मैंने दर्ज की है। आज तक उनका निराकरण नहीं हुआ है। जो मनरेगा के तहत जो काम करने गए थे कि जिन्होंने मजदूरी नहीं कभी की, उन मजदूरों को पेमेंट डाला गया और जो मजदूर जो काम करने गए थे उनको आज तक कभी पेमेंट नहीं मिला है। जो आदमी गांव के लोग परेशान हैं उनके लिए मैंने शिकायत दर्ज की थी। इसलिए मेरा निवेदन था कि जो मजदूर जो काम करने गए हैं उनका पेमेंट डले, उसके बाद में जो काम करने गए थे जो अलीगल है, जो काम करने नहीं गए थे, जिन पुलियाओं पे जिनका मस्टर चला है, जाप कार्ड चला है, जो फर्जी तरीके से है, उनका निराकरण हो और उनकी जांच हो। और जो नौकरी वाले हैं जैसे PWD में नौकरी करने जाते हैं, उनका आज तक वो कभी काम करने नहीं गए हैं, वो PWD में नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद भी आज तक उनका पेमेंट मस्टर चला है, ये क्या साहसिक काम है, उचित है क्या? और जो भवन बना है उसमें जो केवर समाज का भवन बना है उसमें छत लेवल को पहले से ऑलरेडी से बना दिया था, उसके बाद भी उसको छत लेवल के बाद में सिर्फ प्लास्टर किया और दरवाजा बिठाया, उसके बाद उसका पेमेंट निकाल लिया, ये क्या उचित है? इसलिए मैंने जो पंचायत से और CEO को इनको जो जांच के आदेश दिए हैं उसे जो करा है वो मेरा। आपकी शिकायत करने के बाद में कोई यहाँ आला अधिकारी जांच के लिए आया है? कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है। मैं बसंत पिता केवट कालराम केवट निवासी सहायता नावाटोगी मैं शिकायत करता हूँ। पूर्व सरपंच था पर जो गांव के लोग परेशान हैं वो मेरे पास बार बार आते हैं और बार बार करते हैं कि भैया हमारे जो काम करने गए थे मनरेगा के तहत जो लॉकडाउन में परेशान थे, उन्होंने कहा कि हम काम करने का हमारा तक पेमेंट नहीं आया, उसके बाद भी हम उसको मैं संतुलन देता हूँ कि ठीक है तुम्हारा पेमेंट आ जाएगा, पर ये इन्होंने आज तक उनका पेमेंट नहीं किया है, ये समस्या है। आपका पूरा नाम क्या है? बसंत पिता कालराम केवट निवासी नावाटोली पूर्व सरपंच। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।